तो देख सकते हैं ये है प्रेस्टीज का क्लिप ऑन कुकर एंड इसमें हमारा जो ये है सेफ्टी वॉल जो है बाहर आ चुका है। तो इसको कैसे अंडर डालते हैं या फिर सेफ्टी वॉल आपका ख़राब हो चुका है तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इजीली हम इसको चेंज करेंगे। तो देख सकते हैं इसमें सबसे पहले हमारे को क्या जानना है, तो देख सकते हैं इसमें है सेफ्टी वॉल जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं ये है प्रेस्टीज का क्लिप ऑन कुकर एंड इसमें हमारा जो सेफ्टी वॉल है एकदम लूज हो चुका है, यानी कि बाहर आ चुका है, या फिर आपका सेफ्टी वॉल जो है ख़राब हो चुका है या फिर ये वाइशर जो टूट गया है, तो इसको कैसे चेंज करते हैं। तो बड़ा इजी इसको चेंज करना, इसको सबसे पहले हम निकाल देंगे बाहर, तो इस तरह से खोल के इसको बाहर ले लेंगे, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से लॉक करेंगे उसके बाद में खींचने की कोशिश करेंगे अंदर से तो ये बाहर नहीं आएगा। इसको हम लॉक को ओपन करके फिर जो है इधर से इसको खींचना है एंड डालने के लिए देख सकते हैं सबसे पहले क्या करना है। इसमें एक सिलिकॉन वाइसर है, देख सकते हैं सेंटर में एक ब्लू कलर का ये जो वाइसर है, वाइसर एक स्टील जो है सेंटर में स्टील रहता है, इधर वाइसर रहता है, इधर वाइसर रहता है, तो ये जो वाइसर है इसको बड़े इजी से डाल सकते हैं। जो पतला वाला वाइसर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए एंड मोटा वाला वाइसर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, तो इसको हम क्या करेंगे इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर इस तरह से डालेंगे एंड जो पतला वाला वाइसर है इसको अंदर घुसाएंगे एंड घुमाएंगे वाइसर को, तो जो है नीचे की ओर बैठ जाएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप इजीली कर पाएंगे। मैं सॉरी टॉर्च को ऑन कर देता हूँ तो आपको आई होप दिख जाए। देख सकते हैं ये वाला नीचे की ओर अंदर की ओर प्रेस करना है, हमारा जो है कुकर का सेफ्टी वॉल जो है ये इंडिकेटर बोलते हैं इसको, ये लग चुका है एंड सेफली हमारा कुकर जो है ठीक हो चुका है।